निश्चित रूप से केंद्र सरकार किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। जनाधिकार पार्टी पूरे बिहार प्रदेश में इस आंदोलन को तेज कर रही है और बिहार के तमाम जिलों में जनाधिकार पार्टी के नेता कार्यकर्ता आदरणीय पप्पू यादव नेतृत्व में जाएंगे और किसानों को इस लड़ाई में आगे लाने का पूरा प्रयास करेंगे। हाँ, इन लोगों का देखिए ये विधि विरुद्ध है, इनके द्वारा परमिशन नहीं लिया गया है, तो हम लोग भी कार्रवाई करनी है, हम लोग करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, में हूँ वसीम खान। 16 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे जन अधिकार पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता आज राजभवन मार्च को निकलेंगे और देख सकते हैं पप्पू यादव पहुंच चुके हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ किसान वर्ग के जो लोग हैं वो अब पहुँचने का सिलसिला जो है उनका जारी है। पप्पू यादव संबोधन कर रहे हैं और तमाम लोगों को बता रहे हैं कि कैसे ये कृषि बिल जो केंद्र सरकार ने लाया है वो किसान विरोधी है। लगातार पप्पू यादव अनिश्चितकालीन धरना स्थल पे अनोखे अंदाज में कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन करते दिखाई दिए हैं। अगर हम बात करें तो किसान अदालत पप्पू यादव ने बीते दिनों लगाया, जहाँ पर पप्पू यादव खुद वकील बनकर किसानों का पक्ष रख रहे थे। वहीं हम बात करें तो इससे पूर्व में उन्होंने पुराण का पाठ किया था, यज्ञ किया था, इन तमाम चीज़ों को लेकर अनोखे अंदाज में कृषि बिल का विरोध कर रहे थे और किसानों की समृद्धि की कामना भी कर रहे थे। मगर तस्वीरें जो हैं वो देख सकते हैं और तमाम जो जन अधिकार पार्टी के नेता हैं वो अब पहुँचने लगे हैं। राजभवन मार्च होगा। सर, कृषि बिल केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों के हित में है और आप लोग कह रहे हैं ये काला कानून है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूरे भारत के किसान आज सड़क पर है और जिस तरह से केंद्र सरकार किसानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, स्पष्ट रूप से हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव ने कहा है कि अगर किसानों के हित में अगर बिल होता क्या किसान अपने पूरे परिवार के साथ इस ठंडे में सड़क पर होते? बिल्कुल गलत है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार किसानों को बरगलाने का काम कर रही है और जनाधिकार पार्टी पूरे बिहार प्रदेश में इस आंदोलन को तेज कर रही है और पप्पू यादव ने ये मन बनाया है कि निश्चित रूप से जब तक किसानों के काला कानून को केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तब तक इस आंदोलन को पूरे बिहार में तेज करने का काम। किसानों को बरगलाने का आरोप तो आप लोगों पे लग रहा है? बिल्कुल नहीं, पूरे किसान, पूरे भारत के किसान सड़क पर है। क्या पप्पू यादव ने सबको बरगलाने का काम किया है? पप्पू यादव न्याय के प्रति सब दिन लड़े हैं और निश्चित रूप से किसानों की लड़ाई को पप्पू यादव, आदरणीय पप्पू यादव तेज करने का काम करेंगे बिहार। राजभवन मार्च तो आज आप लोग करने जा रहे हैं और अगर राजभवन मार्च के बाद भी अगर इन तमाम विषयों पर सरकार नहीं सोचती है तो आगे आप लोगों की पार्टी का क्या स्टैंड होगा? निश्चित रूप से राजभवन मार्च के बाद पार्टी ने तय किया है कि पूरे राज्य में हम लोग किसान मजदूर यात्रा के माध्यम से किसानों को जगाने का काम करेंगे और बिहार के तमाम जिलों में जनाधिकार पार्टी के नेता कार्यकर्ता आदरणीय पप्पू यादव नेतृत्व में जाएंगे और किसानों को इस लड़ाई में आगे लाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब देखने वाली बात है, राजभवन मार्च के लिए तो जन अधिकार पार्टी के तमाम नेता पहुंच रहे हैं, किसान वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि किसानों के पक्ष में ये बिल है, किसानों के लिए बिल लाया गया है और विपक्ष जो है वो उकसाने का कार्य कर रहा है। देख सकते हैं, हमारे सहयोगी भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। 16 दिसंबर 11 बजे दिन से ही अनिश्चितकालीन धरने पर तमाम जन अधिकार पार्टी के नेता यहाँ पर धरने पर बैठे थे। पप्पू यादव अनोखे अंदाज में कृषि बिल का विरोध करते दिखाई दे रहे थे, कभी किसान की अदालत लग रही थी तो कभी यज्ञ और कुरान पढ़े जा रहे थे, किसानों की समृद्धि की कामना की जा रही थी। वहीं हम आपको दूसरी तस्वीरें दिखाएं, ये गया रोड बाईपास की तस्वीरें हैं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो प्रशासन चौक चौबंद है क्योंकि बाईपास है और ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाया करती है, जिसको लेकर के प्रशासन जो है वो यहाँ पर डंडा बल को तैनात कर दिया गया है और क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ने ना दिया जाए क्योंकि बाईपास है ये और बाईपास अगर जाम हो जाएगा तो बहुत समस्याएं उत्पन्न होगी यात्रियों को खासकर और जो यहाँ व्हीकल्स जो क्रॉस करते हैं उनको। इसको लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो है वो तैनात कर दिए गए हैं, डंडा बल यहाँ पर तैनात है और प्रशासनिक के जितने भी व्यवस्थाएँ हैं पप्पू यादव और पप्पू यादव के जो सेना है, जन अधिकार पार्टी के जो नेता है, उन्हें रोकने के लिए चौक चौबंद है, डंडा बल को तैनात कर दिया गया है, बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि पप्पू यादव क्या इस बैरिकेडिंग को पार कर पाएंगे। हालांकि प्रशासन जो है चौक चौबंद है और इससे आगे ना बढ़ने दिया जाए, प्रशासन की भी यही कोशिश होगी क्योंकि बाईपास है और बाईपास अगर जाम हो जाता है तो समस्याएँ बढ़ सकती है, समस्याएँ और उत्पन्न ज़्यादा हो सकती है। जब पप्पू यादव कमर कस चुके हैं और इधर प्रशासन भी कमर कस चुका है और कोशिश यही होगी कि यहाँ से आगे पप्पू यादव को बढ़ने ना दिया जाए और यहीं पर पप्पू यादव को रोक दिया जाए और उन्हें वापस जाने को कहा जाए। हालांकि प्रशासन भी चौक चौबंद है। सर, पप्पू यादव राजभवन मार्च के लिए निकल रहे हैं।
व्यवस्था आप लोगों ने की है यहाँ पर, क्या रोकने की कोशिश करेंगे आप? हाँ, इन लोगों का देखिए ये विधि विरुद्ध है, इनके द्वारा परमिशन नहीं लिया गया है, तो हम लोग जो भी कार्रवाई करनी है हम लोग करेंगे। अगर आगे सर बढ़ती है तो कार्रवाई करेंगे सर। तो आपने साफ सुना कि परमिशन नहीं लिया गया है, और ऐसे में पप्पू यादव अगर आगे बढ़ते हैं और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता अगर आगे बढ़ते हैं राजभवन मार्च के लिए, तो जितने डंडा बल यहाँ पर तैनात है उन्हें रोकने की कोशिश भी करेंगे और कार्रवाई भी, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि परमिशन लिया नहीं गया। और ऐसे में बाईपास जो गया रोड है और इसी ओर से पप्पू यादव को जाना है राजभवन की ओर, तो यहीं पर रोकने की कोशिश भी की जाएगी। बैरिकेडिंग भी लगा दिए गए हैं और इस बैरिकेडिंग को पार करना पप्पू यादव के लिए भी एक चुनौती होगी। हालांकि कृषि बिल को लेकर लगातार 16 दिसंबर 11 बजे दिन से ही पप्पू यादव लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर हैं, अनोखे अंदाज में विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सीरीज पटना।